थी जो भारतीय जनता पार्टी बता रही थी, आज वही कानून भारतीय जनता पार्टी ने वापस ले लिए हैं और कह रहे हैं कि वो किसान के हक में वापस नहीं है। तो क्या पहले हक में था कि अभी हक में उनके? भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट सबसे बड़ी चीज है, उन्हें वोट चाहिए। कानून लागू होने से वोट मिल जाएगा तो कानून लागू कर देंगे, कानून हटाने से वोट मिल जाएगा तो कानून हटा देंगे। और याद कीजिए वो समय जिस समय नोटबंदी की गई थी, नोटबंदी का भी फैसला केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के हुआ था, और क्या नोटबंदी के परिणाम वही आए जो भारतीय जनता पार्टी उस समय बता रही थी? अखिलेश जी, एमएसपी पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? एमएसपी पे कानून होना चाहिए और कम से कम किसानों की मदद के लिए एमएसपी के लिए कानून लेकर के सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार इसी तरह की खिलवाड़ कर रही है नौजवानों के भविष्य के साथ। और ये पहली बार पेपर लीक आउट नहीं हुआ है, पहली बार परीक्षा रद्द नहीं हो रही है, ये कई बार हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाहती, उनको रोजगार नहीं देना चाहती। अखिलेश जी, तो अखिलेश यादव को आप इस वक्त सुन रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले ये कानून ही क्यों लाया गया जब ये किसानों के खिलाफ था, और आज आपने कानून वापस ले लिया, आपने किसानों के लिए आपने किया क्या? दरअसल अखिलेश यादव आज जो कुछ भी हुआ सदन के भीतर उसको लेकर के सरकार पर वो हमला कर रहे थे, सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन बड़ी खबर ये है कि दोनों सदनों से कृषि कानून वापसी बिल पास हो चुका है, बस राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी बाकी है। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा था, सरकार ने कहा था कि सत्र के शुरू में ही इस बिल को ला करके हम इस बिल को निरस्त करेंगे। हमारे साथ इस वक्त प्रिया सिंह वाराणसी से, प्रिया सिंह सोमवंशी इस वक्त हमारे साथ गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। अखिलेश यादव ने जो कुछ भी कहा, भी हमने आपको बताया कि सरकार पहले बताया कि क्या वो बिल अच्छा था, वो कानून अच्छा था जब आप लेकर आए थे, उस वक्त भी विपक्ष ये कह रहा था कि ये किसानों के खिलाफ है, और अब आपने ये बिल वापस ले लिया, ये कानून वापस ले लिया क्योंकि ये कानून खराब था। सरकार क्यों नहीं बता पाई कि आखिर इस कानून को वो समझा क्यों नहीं पाई किसानों को? अगर ये किसानों के पक्ष में था तो फिर सरकार ने इस बिल को वापस क्यों लिया? हालांकि देखिए, अब तक किसान संगठनों के साथ साथ विपक्ष लगातार ये मांग करता रहा कि तीन कृषि कानून वापस लिए जाए, तीन कृषि कानून निरस्त किए जाए। करिश्मा हमारे साथ प्रयागराज से इस वक्त जुड़ चुकी है। करिश्मा, अब इस वक्त हमने अखिलेश यादव को सुना, वो घेर रहे हैं इस मसले पर सरकार को कि आपने अगर ये बिल, ये कानून सरकार के पक्ष, किसानों के पक्ष में लाया था तो फिर इसे वापस क्यों लिया? देखिए, मैं प्रत्युष आपको बताना चाहूंगी, जितना मैं समझ पाई हूँ विपक्ष चाहता ही नहीं ये मुद्दा खत्म हो, और ये विपक्ष चाहता है इस पूरे मुद्दे को और फिंगर ऑन किया जाए। अब तीन नए कृषि कानून की बात करें, लोकसभा राज्यसभा से कानून वापसी को लेकर ये बिल पास हो चुका, लेकिन अब बड़ा सवाल हो जाता है कि विपक्ष के पास अब कौन से मुद्दे बचे जिसको लेकर अब वो घेरने की तैयारी करेंगे, इसलिए अब वो ये मुद्दे लेकर आ रहे हैं। और दूसरी अहम चीज, विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि एमएसपी को लेकर कानून बनना चाहिए, अब तक ऐसा रहा है हिस्ट्री में, एमएसपी पर कोई कानून नहीं बना है। प्रत्युष, कैबिनेट की बैठक होती है, एमएसपी पर रेट जो तय होते हैं उसके अकॉर्डिंग अब तक चीजें चलती हुई आई हैं, लेकिन बड़ा सवाल हो जाता है कि विपक्ष अब क्यों एमएसपी पर कानून की मांग कर रहा है? कुछ किसान भाई इस वक्त मेरे साथ है, आई उनसे ही मैं जानती हूँ कि इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं। हालांकि पहले भी यहां से फैसले का स्वागत किया गया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग, कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जो कि सरकार से थोड़ा सा खफा भी है, सबसे पहले तो आपसे ही आना चाहती हूँ सामने, ये बताएं कि अब तो दोनों सदनों से बिल वापसी को लेकर जो बात हुई थी, दोनों सदनों से बिल पास हो गया, अब क्या दिक्कत है? एमएसपी गारंटी कानून, क्या पहले की सरकारों में क्या एमएसपी गारंटी कानून होता था? क्या उस पर बिल बनाए जाते थे क्या, जो अब मांग पर आप लोग डटे हुए हो? देखिए, आपने दो बातें उठाई, एक किसान बिल वाला और एमएसपी वाला। तो किसान बिल जब इनको वापस ही लेना था और वो अच्छा था, तो पहली बात उन्होंने कानून बनाया। आप मानते हैं अच्छा था? आप मानते हैं अच्छा था? नहीं, अधूरा था, उसमें चेंज होना चाहिए था। ठीक है, तो अब वापस ले लिया, फिर आपकी तो मांग मान दी, वापस ले लिया। नहीं, उनके किसानों को और मांगे थी, उसके साथ जुड़ा हुआ है। आपके पास दोबारा लौट कर आऊंगा। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से दर्शकों को सुनाते हैं। जिस समय किसानों ने आंदोलन छेड़ा, उस समय भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड था, और आज जब भारतीय जनता पार्टी ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया है, तो वो किसानों के पक्ष में कैसे हो गया? भारतीय जनता पार्टी को कम से कम बहस के लिए बताना चाहिए कि पहले
क्या खराब था या क्या अच्छा था और आज क्या खराब है जिसकी वजह से ले लिया। समाजवादी पार्टी ने तो तय किया है सरकार बनने पर, उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी तो 25 लाख रुपए से उन किसान परिवारों का सम्मान किया जाएगा। आज बहस की जरूरत है, देश जानना चाहता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्यों कह रही थी कि ये किसान के हक में है और वही कानून आज किसान के हक में नहीं है, इसलिए वापस ले लिया। चलिए गोरखपुर का रुख करेंगे, प्रिया सिंह सोमवंशी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। देखिए प्रिया, एक बार फिर से 25 लाख रुपए सम्मान निधि के तौर पर हमारी सरकार बनी तो दी जाएगी, ये बात फिर से दोहराई अखिलेश यादव ने। प्रत्युष आपका सवाल मुझसे है। जी जी, एक बार फिर से आप अपना सवाल दोहरा दें। अभी आपने अखिलेश यादव का बयान सुना, वो कह रहे हैं कि सरकार घबरा रही थी इसलिए वो चर्चा से भाग गई, बिल पास करा दिया, और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो 25 लाख रुपए किसान सम्मान के तौर पर हम उन शहीद हुए परिवार वालों को देंगे जो इस आंदोलन के दौरान मारे गए। बिल्कुल प्रत्युष, देखिए अखिलेश ये भी कह रहे हैं कि हम आएंगे अगर सत्ता में भव्य राम मंदिर बनवाएंगे लेकिन राम मंदिर के लिए एक रुपया चंदा भी नहीं देंगे। अखिलेश यादव अब ये भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आती है तो 25-25 लाख का मुआवजा देंगे और अगर कानून की वापसी हो गई इस पर भी ऐतराज, और नहीं होता उस पर तो खैर ऐतराज था ही। चलिए मैं यहाँ पर हूँ, इस वक्त एक गाँव में हूँ, यहाँ के लोगों से हम जानते हैं। सर, अब कृषि कानून की वापसी पहले प्रधानमंत्री ने ऐलान किया और आज दोनों सदनों में पास, यानी अब ये कानून रद्द हो गया। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? अच्छे ढंग से देखते हैं, किसानों के हित की बात अगर हो रही तो अच्छी बात है। जी अच्छी बात है, लेकिन हमारा साथ साथ में एक प्रश्न भी है। प्रश्न हमारा यह है कि क्या कानून एक ही के लिए है कि सबके लिए है? एक हुजूम इकट्ठा होता है, एक मशीनी चीज गड़बड़ हो जाती है, जैसी कि जांच में या आपके मीडिया पर आई है कि लोगों को कुचल दिया जाता है, वहां खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं जैसा लोगों का प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, तो क्या उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा नहीं? क्या चार लोग पीट पीट करके मारे गए तो क्या उसमें किसी का दोष नहीं है? बिना दोष के वो मर गए, उनके वहां मुआवजा दिया जा रहा है। सारे दल के लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सारे दल के लोग केवल मुआवजा देने के चक्कर में है, और यहाँ कोई यह नहीं कहने वाला है कि चार व्यक्तियों की और भी हत्या हुई और वो चार व्यक्ति की हत्या का जिम्मेदार कौन है? ये क्या खालिस्तान समर्थक है या किसान है? मैं एक बार प्रिया का रुख कर रहा हूं, प्रिया सिंह वाराणसी से हमारे साथ जुड़ी हैं। दर्ज हुआ प्रिया, बिल्कुल देखिए, एक तरफ ये कानून वापसी हो चुकी है, दोनों सदनों से ये पास भी हो चुका है, लेकिन अखिलेश यादव फिर से इस मुद्दे को गरमा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 25 लाख रुपए दिए जाएंगे अगर हमारी सरकार आएगी तो मुआवजे के तौर पर। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म नहीं होगा, यह आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। टिकट वहाँ उन्हीं देखता जहाँ अपना दल इकबाल लड़े, हमारी सरकार आएगी तो हम जितने भी इस किसान आंदोलन में जो किसान थे जिनकी मौत हुई है उनको शहीद का दर्जा देंगे। सारी पार्टी इस मुद्दे को इस वक्त भुला लेना चाहती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और विपक्ष के पास अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा था किसान आंदोलन का, और ये खत्म कर देने के बाद जो तीन कृषि कानून है इसको वापस ले लेने के बाद कुछ मुद्दा नहीं।